हे गाइस, स्वागत है मेरे चैनल इंट्राडे गाइड शिवांश भसीन पे। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि 4 जुलाई को कौन से स्टॉक्स हमें बाय या सेल करके चलने चाहिए और बैंक निफ्टी और निफ्टी पे क्या व्यू चल रहा है। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि मैंने एक ट्रेड टॉक की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। कल से ही मैंने ट्रेड टॉक की सीरीज एक स्टार्ट करी थी, जिसमें रेगुलरली 2 दिन में आपको एक ऐसे पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में बताया जाएगा जो ब्रेकआउट से निकल सकता है या वो ब्रेकआउट देने की तैयारी में कर रहा है। और गाइस, वो स्टॉक्स अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए भी रखते हैं या अगर आप स्विंग ट्रेड भी उसमें करते हैं तो आप बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। ये जो आपको ट्रेड टॉक पे सिखाया जाएगा, उस पर अगर आपको चार्ट्स पे सिखाया जाएगा सारा पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में, और उस पर अगर आप अपने चार्ट पे वो पर्टिकुलर ट्रेंड लाइंस और जो भी चीज़ें मैं सिखाऊंगा अगर आप इम्प्लाई करते हैं, तो आपके जो स्टॉक मार्केट की जो लर्निंग्स है, जो टेक्निकल एनालिसिस आप सीखना चाहते हैं ट्रेंड लाइन के बेसिस पे, जिस तरीके से मैं स्टॉक्स को फाइंड करता हूँ, वो आप इजिली समझ जाएंगे। क्योंकि मैं आपको बहुत हल्के हल्के ट्रेंड लाइंस के बेसिक से समझाऊंगा कि किस तरीके से बनाई जाती है और किस तरीके से हमें स्टॉक को फाइंड करना चाहिए डेली, वीकली और मंथली बेसिस के अंदर। तो गाइस, सबसे पहला स्टॉक जो मैं लेकर आया था ट्रेड टॉक के अंदर कल की वीडियो में, वो था HDFC। और HDFC अभी जो अराउंड चल रहा है 2200 के लेवल में चल रहा है और वो आने वाले 2 साल के अंदर 3000-3500 के ऊपर निकलने वाला है। और वो कैसे निकलने वाला है, एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट जो उसका था, रेजिस्टेंस था, उससे ब्रेक कर चुका है। अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो आप बहुत अच्छा खासा HDFC में पैसा कमा सकते हैं लॉन्ग टर्म में। वो वीडियो की आपको अगर लिंक चाहिए तो यहाँ पर आई कार्ड में आपको देख रहे हैं, आप शो कर रहा होगा, उस पर भी जाके आप क्लिक कर सकते हैं या वीडियो के एंड में भी आपको वो वीडियो दिख जाएगी मेरी, या डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल दूंगा सबसे ऊपर और कमेंट सेक्शन में भी डाल दूंगा, आप जाके उसे ज़रूर देखिएगा और ट्रेड टॉक की सीरीज़ में आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है आपके पर्टिकुलर स्टॉक पे, अगर आपके पोर्टफोलियो पे ऐसा कोई स्टॉक है जिसको आपको लगता है कि ये मुझे लॉस दे रहा है, मुझे इसमें क्या करना चाहिए, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है पर्टिकुलर स्टॉक पे, डाउट होता है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा उस वीडियो के अंदर। और उस वीडियो पे जितने ज़्यादा उस आपके स्टॉक पे लाइक्स होंगे तो मैं सबसे पहले उसी की वीडियो बनाऊंगा। सो उस ट्रेड टॉक के वीडियो के साथ आप सीरीज के साथ जुड़ रहिएगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। अब हम बात करते हैं 4th जुलाई की। 4th जुलाई में हमें किस तरीके से ट्रेड लेना है, क्योंकि गाइस 5th जुलाई को बजट आने वाला है, तो यानी कि कल का ट्रेडिंग सेशन थोड़ा बहुत वॉलेटाइल रह सकता है, थोड़ा मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रह सकती है। तो ये पर्टिकुलर काउंटर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो आपको शायद पैसा कमा के अच्छा खासा दे सकती है टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पर। कौन से स्टॉक्स हैं ये? उज्जीवन, इक्विटास, एस्कॉर्ट्स, वोल्टास और पिडिलाइट। एस्कॉर्ट्स बाय करने की ही सलाह दी जाएगी आपको इस पे। एस्कॉर्ट्स मैंने आपको पहले ही बता दिया था, एक ब्रेकआउट के जोन से निकला है, एग्जैक्ट HDFC की तरह निकला है। सो इस पे आपको मैं बाय की सलाह दे रहा हूँ। करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है वो 572 चल रहा है। बाय आपको किस पे करना है, 569 के आसपास अगर आपको मिलता है तो बाय करके चल सकते हैं। 577 इंट्राडे का टारगेट है। अगर आप 2 दिन के लिए और इसे होल्ड करके रखते हैं तो एग्जैक्ट 584 तक भी जा सकता है और अप मूव दिखा सकता है। स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना है 564 का एस्कॉर्ट्स के अंदर मेंटेन करके चलना पड़ेगा। इक्विटास भी हम बाय करने की सलाह दे रहे हैं। इक्विटास में हमने देखा था कि एक जो उसका चैनल था उस चैनल से निकलने की कोशिश कर रहा है और मुझे लगता है कि अब ये एक ब्रेकआउट दे सकता है, तो 121 करंट मार्केट प्राइस है, बाय करने की सलाह दी जाएगी। 124 इंट्राडे का टारगेट है। 2 या 3 दिन के पर्पज से अगर आप होल्ड करते हैं तो 129 भी टारगेट अचीव हो सकता है विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 117। उज्जीवन बाय करने की सलाह दी जाएगी। उज्जीवन में हमने देखा था कि एक चैनल था, मैंने आपको अपने पिछली वीडियो में बताया था उज्जीवन के बारे में कि एक चैनल का इसने ब्रेकडाउन दिया था और वहां से ये बहुत नीचे गिर गया था। गाइस, वो बहुत नीचे जो गिर गया था वहां पर इसका 161% रिट्रेसमेंट लेवल था जहां पर उसने सपोर्ट ले लिया है और अब ये वहां से उछाल देने की पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। तो मुझे लगता है ये 310 ये 312 तक जाने की इसकी कैपेसिटी है। सो 303 इंट्राडे टारगेट, 308 या 310 पोजिशनल मान के चल सकते हैं, पोजिशनल इन द सेंस 2 या 3 दिन के पर्पज से। स्टॉप लॉस आपको 293 का मेंटेन करना होगा। पिडिलाइट भी बाय करने की सलाह दी जाएगी। हमने देखा था एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था अराउंड 1220 के आसपास, हम कह सकते हैं 1210 के आसपास पिडिलाइट पे एक हमने देखा था इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था, उसके ऊपर ब्रेकआउट दिया था तो ये 1300 के लेवल तक भी चला गया था। अब वापस अपने रेजिस्टेंस की तरफ, अपने सपोर्ट की तरफ आ गया है और सपोर्ट से 1210 से इसने उछाल देने की कोशिश करी थी। सो मुझे लगता है ये दोबारा अप मूव दिखा सकता है और 1260 तक आराम से जा सकता है 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर। सो इंट्राडे टारगेट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं पिडिलाइट के अंदर वो 1239 तक का भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंट्राडे टारगेट ही। स्टॉप लॉस आपको जो मेंटेन करके रखना पड़ेगा वो थोड़ा नीचे रखना पड़ेगा अराउंड 1209 का। वोल्टास में आपको रेगुलरली शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ कि आपको वोल्टास शॉर्ट करके चलना है।
मैं आपको ये 670 के लेवल से आपको ये मैं शॉर्ट की पोजीशन इनिशिएट करवा रहा हूँ। ये इसका मैं आपको एक बार चार्ट भी दिखा चुका हूँ ये किस तरीके से नीचे और गिर सकता है। सो 648 का टारगेट है, 648 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। सॉरी ये आपको, हाँ 648 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है हायर साइड में। हम जो टारगेट नीचे की ओर देख रहे हैं 635 629 तक के भी टारगेट्स हम वोल्टास के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वोल्टास रेगुलरली 4 दिन से गिर रहा है तो हम कह सकते हैं ये थोड़ा बहुत बाउंस बैक दे सकता है। तो अगर आपको ये 642 या अगर आपको 643 के आसपास मिलता है तो स्टॉप लॉस थोड़ा और ऊपर करके आप इसको शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। सो गाइज ये 5 कॉल आपके साथ शेयर करी गई है। निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू अगर आपको जानना है तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख लीजिए जिसमें मैंने निफ्टी सॉरी तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जिसपे मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस पूरी डेप्थ कर रखी है। उसमें मैं आपको क्यों बार बार हर वीडियो में बता रहा हूँ कि निफ्टी बैंक निफ्टी की आप मेरी वो प्रीवियस वीडियो देखिए, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी एक रेंज के अंदर चल रही है। जब तक वो रेंज ब्रेक नहीं करेगी मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं आपके लिए निफ्टी बैंक निफ्टी का दोबारा एनालिसिस शेयर करूँ, क्योंकि जब तक वो रेंज नहीं निकलती तब तक शेयर करने का कोई फायदा नहीं है। सो आप तब तक, जब तक वो उस रेंज में आप वो वीडियो देखकर आप बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर ट्रेड ले सकते हैं। सो गाइस आपको अगर मेरी वो ट्रेड सीरीज के साथ जुड़े रहना है तो आप लिंक यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस वीडियो में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर लिंक, इस लिंक को आप क्लिक करके मेरे उस ट्रेड सीरीज में जा सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन से स्टॉक के बारे में क्वेरी चाहिए, या बहुत से लोगों ने वहाँ पर कमेंट करे हुए हैं अपने अपने स्टॉक्स। तो अगर आप उस स्टॉक की वीडियो चाहते हैं तो उस वीडियो को ही कमेंट को लाइक कर दीजिएगा, मैं समझ जाऊँगा जिसमें सबसे ज़्यादा लाइक होंगे मैं वो वीडियो आपके लिए कल बनाऊँगा। सो गाइस इसी के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करना चाहूँगा। हैप्पी ट्रेडिंग, और मैं मिलता हूँ आपसे कल नई अगली वीडियो के साथ।